और सुनो, पहले ही बता रही हूँ, कल जो तुम्हारे रिलेटिव आ रहे हैं ना, मुझे ज्यादा उंगली मत करना। अच्छा, तो घर आए मेहमानों की खातिरदारी करना उंगली करना होता है क्या? तो खातिरदारी का इतना ही शौक है ना, तो खुद किया करो ना। मेहमान के आते ही फेविकोल की जैसे ऐसे सोफे पे चिपक जाओगे, हिलोगे भी नहीं, और इतनी लंबी लंबी छोड़ोगे, ऐसे हंसोगे दाढ़े लगा लगा के जैसे अम्बानी परिवार की इकलौती चिराग तुम ही हो। बहुत पैसा है तुम्हारे पास। मेरा वहां किचन में ना पसीने से स्विमिंग पूल बन जाता है। और एक बात बताओ, जब मैं सारा नाश्ता पानी खाना पीना सब करा देती हूँ, तुम ये रिश्तेदारों के आगे ऐसे जोर से आवाज लगा के क्या बोलते हो? फल फ्रूट ड्राई फ्रूट तो रख दो। एक बात बताओ, ये सब बोलने से पहले मुझसे पूछ तो लिया करो कि किचन में है भी फल फ्रूट और ड्राई फ्रूट या नहीं। ये तुमने कोई जिंद छोड़ रखा है कि तुम्हारे बोलते ही सारी चीजें पैदा कर देगा वो? अरे ठीक है यार, ख्याल रखूंगा, पर थोड़ा ना यार मेहमानों के सामने मेरी इज्जत का भी ध्यान रखा करो। मेरे साथ ना बिहेव थोड़ा अच्छा करना। अगर इज्जत करानी है ना, तो मुझे ना 2 सूट चाहिए और मैक की लिपस्टिक चाहिए। मैक 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 क्या होता है ये? मैक ब्रांड सुनानी है क्या कभी? कोई नहीं, चलो डन करते हैं। अच्छा यार एक बात बोलूं, शर्मा जी शादी से ज्यादा खुश नहीं लग रहे थे, जबकि उनकी वाइफ तो कितनी खूबसूरत है। उसको लगता है उसने शादी में थोड़ी जल्दी कर दी, लड्डू के चक्कर में रसमलाई मिस हो गई। रसमलाई मतलब? उसने आज ही देखा उसकी साली ज्यादा खूबसूरत है। तुम कभी नहीं सुधरोगे।